सीआरपीएफ के 180 और 130 बटालियन की जानिब से मुश्तरक तौर पर आज टाउन हॉल त्राल कश्मीर में एक मुफीद तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद का तिबी जांच किया गया और इनमें मुफीद दवाइयां भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्कद कराने पर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडर ऑफिसर और 130 बटालियन के कमांडर ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने आज खुद मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ लोगों की हिफाजत के साथ साथ आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद अमल में लाएगी। सबसे पहले सभी को जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग डिफरेंट एरियाज में हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं, उसी के सीक्वेंस में ये हमारा मेडिकल कैंप है। इस बार मेडिकल कैंप की खासियत यह है कि वहाँ के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले एक मेडिकल कैंप इस एरिया में एक एरिया में काम मतलब पूरा नहीं पड़ता था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 130 बटालियन जो अवंतीपुरा में है, उनके सीओ साहब मेरे साथ में हैं, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इस बार मेडिकल कैंप लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है यहाँ के लोकल्स में ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स हैं और स्किन की डिसीज में भी आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार स्पेशली मेडिसिन का व्यवस्था किया है। लेडी डॉक्टर भी हैं हमारे साथ में, तो जो महिलाएं हैं उनको खास फ़ायदा होगा इससे। इसके अलावा यदि ये सब छोटा सा एक वो मेडिकल कैंप है, इसके अलावा यदि किसी को ज़रूरत है कंटिन्यू मेडिसिन लेना चाहता है ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो हमारा जो कैंप है यहीं पर हॉस्पिटल के साथ में है सीआरपीएफ कैंप, वहाँ हमसे संपर्क कर सकता है। या यदि किसी को और चीज़ की आवश्यकता है, कोई अपना रोजी रोटी के लिए कोई रोज़गार के लिए आवश्यकता है, तो हमारा मददगार ऐप है, उसमें भी वो सहायता हम उनको देते हैं।